सो अभी एक बीटी हो चुकी है, बहुत गंदी वाली बीटी हुई है। पैन केक पैन हलवे में बदल गया। आज ग्रीन टी खत्म हो गई थी एक्चुअली, तो इसलिए नॉर्मल गर्म पानी ही पी लेता हूँ, क्योंकि गर्म पानी पीने से क्या होता है, बॉडी जल्दी आती है। जितना पेट साफ रहेगा उतना वजन कम रहेगा और अंडा का मामला ठीक रहेगा। तो मुझे तो आ भी गई। चलो फटाफट चलो। यहाँ क्या करोगे तुम, चलो भारी भारी धूम धड़ाके क्या सुनोगे, चलो आता हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, इट्स ट्यूसडे एंड आई एम व्लॉगिंग। अभी सुबह के बज रहे 11, मेरा अलार्म बज चुका है, शायद तुम्हें थोड़ी बहुत आवाज आ रही है और बाहर की खटपट, क्योंकि यार कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो इस चक्कर में मैं अपनी स्कूटी भी नहीं निकाल पाता हूँ, तो क्या करें। तो सुबह के बज रहे हैं 11, सुबह के नहीं, देखो कई लोगों के लिए दोपहर होती है, बट मेरे लिए सुबह, मैं भी उठाऊँ ना 3 बजे उठता था, 11 हो गया है, धीरे धीरे सही हो रहा है। तो इस वीक से मैंने क्या चेंजेस किया, मतलब इस मंथ से ये मेरे ट्रांसफॉर्मेशन का सेकेंड मंथ चालू हो चुका है, और इसमें मैंने क्या चेंज किया है कि मैंने 2 टाइम जिम कर दिया, सुबह कार्डियो 1 घंटे 1.5 घंटे का कार्डियो कर लेता हूँ, थोड़ा मतलब हाई इंटेंसिव, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिव, बट या ठीक है, और फिर रात को भी थोड़ा बहुत अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज मैं करता हूँ। सो वी आर रेडी फॉर द वर्कआउट, और मैंने जैसे हुडी पहन ली है अपना बढ़िया, क्योंकि यार जिम में जब वर्कआउट करते हैं तो पसीना आता है, अंदर तो गर्मी होती है बट बाहर जैसे थोड़ी हवा चल रही हो तो बॉडी में अगर हवा लग जाएगी ना तो फिर आपको बुखार आने के बहुत सारे चांसेस है, खांसी जुकाम, और अभी बिल्कुल भी बुखार मैं नहीं झेल सकता हूँ, बुखार को अवॉइड करो, तो इट्स बेटर टू बी केयरफुल। तो अपना जिम चलते हैं, जिम में मैं थोड़ा बहुत जो शूट करूँगा वो फ़ोन से शूट करूँगा, क्योंकि कैमरा लेके जाने का कोई इतना मतलब नहीं, इतना बड़ा कैमरा सेटअप लेके। तो आता हूँ जिम से फटाफट, वर्कआउट करके कार्डियो करने जा रहा हूँ, जिम में अराउंड 300 to 400 कैलोरीज बर्न करने की कोशिश करूँगा। सो जिम से वापसी कर चुके हैं, जिम में कुछ शूट नहीं किया क्योंकि इतने दबा के गाने चल रहे थे ना, तो मैंने कहा छोड़ो यार शूट, क्योंकि रात में तो जाने ही है तो रात का कुछ शूट कर लूँगा, क्योंकि दिन में तो यार कार्डियो करता हूँ, और कार्डियो तो मैं बता रहा हूँ सबको ही पता होता है कि क्या होता है, तो कार्डियो अपना रनिंग साइकिलिंग और ये सारी चीज़ें ही होती हैं। तो अभी फटाफट नहा लेता हूँ, क्योंकि नहाना बहुत ज़रूरी है, पसीना वर्कआउट करके आते हो तो पसीना बॉडी पे लगा रहेगा तो इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो ज़रूर जब भी पसीना निकालो वर्कआउट करो तो ज़रूर नहाओ, और मैं जाता हूँ नहाता हूँ, फिर आके अपनी नॉर्मल घर का खाना एक टाइम जो दोपहर में खाता हूँ मैं वो खाता हूँ। यो शाम के 6 बज चुके हैं और सो गया था भाई, जैसे तुमने लास्ट सीन में देखा होगा ना कि मैंने कहा कि जा के नहा के धो के खाऊंगा, तो मैंने दोपहर की घर की एक बढ़िया सी मील थी, दाल ली 2 कटोरी जिसमें एक हाई प्रोटीन आइटम है वेजिटेरियन में, रोटी ली, अब रोटी मैंने मक्के की रोटी ली, थोड़ा मतलब मैं अवॉइड कर देता हूँ गेहूँ की रोटी, क्योंकि चने और आपके मक्के की रोटी में इतनी कार्ब्स नहीं होती है और एनर्जी एट द टॉप होती है, तो बहुत अच्छा होता है कि अगर आप आटा चेंज कर दें अपना कभी कभार, मतलब वैसे जनरली तो लोग गेहूँ ही खाते हैं, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि मैं चेंज कर करके ट्राई करता रहता हूँ, क्योंकि दोपहर में मैं अच्छी डाइट लेता हूँ, उसके साथ ही मैंने कर्ड और फिर भिंडी और बैंगन की सब्ज़ी दोनों, तो एक अच्छी मील हो गई थी उस टाइम पे, नींद आ रही थी क्योंकि एक्सरसाइज करके आ रहा हूँ, थक गया था, कार्डियो था ज़बरदस्त, सो गया, अब उठाऊँ और अब अपनी मील बनाता हूँ। आज हम बनाएंगे प्रोटीन पैनकेक, और वो भी विदाउट प्रोटीन पाउडर के, जो जिसके पास प्रोटीन पाउडर है वो ऐड कर सकता है, जिसके पास नहीं है वो नहीं कर सकता। तो मेरे पास अभी तो मैंने ऑर्डर कर रखा है मैक्सिमम अवेयरनेस का, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मेरे को बहुत सारे यूट्यूबर्स डाल रहे थे वीडियोस कि अच्छा है अच्छा है, तो मैंने कहा चलो एक बार मांगा के देख लेते हैं। तो मैक्सिमम अवेयरनेस का मैंने प्रोटीन ऑर्डर किया है कुकीज़ एंड क्रीम में 4000 रुपये का,
वो आ जाएगा, और अभी प्रोटीन पैनकेक बना के दिखाता हूँ तुम्हें फटाफट। सो गाइस, प्रोटीन पैनकेक बनाने के लिए हमें क्या क्या आइटम चाहिए? पहले तो हमें चाहिए एक मिक्सी का जार, ठीक है। उसके बाद चाहिए हमें ओट्स। देखो अभी नवरात्रे चल रहे हैं, ठीक है, तो अभी नवरात्रे में मैं तो एग्स, देखो मैं नॉन वेजिटेरियन तो हूँ ही नहीं, एगिटेरियन हूँ, और एग्स भी मैं अब थोड़ा इग्नोर ही करूँगा, क्योंकि एक तो मेरा मानना ये है ना कि चिकन तो ना ही खाएं बढ़िया ही है, मतलब जिनका गेम है वो तो बात अलग ही है, बट मेरा अपना, मैं अपना बिलीव बताता हूँ कि वेजिटेरियन होना एक मुझे अच्छी बात लगती है, क्योंकि मैं किसी जानवर को मार नहीं सकता, मार के खा नहीं सकता, एक ये मेरा बिलीव है। बाकी तो देखो ये अपनी अपनी चॉइस होती है सबकी, तुम्हारी अपनी चॉइस है, तुम्हें जो करना है। तो हम मेन मुद्दे की बात आते हैं कि नवरात्रों में प्लीज़ जो लोग खाते हैं एटलीस्ट 9 दिन के लिए छोड़ दीजिए, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। तो पहली जो हमारी चीज़ है वो है ओट्स। ये मैंने किसी और डब्बे में रखे हैं, ये ओट्स हम लेंगे, नॉर्मल ओट्स। और उसके बाद हमारा पीनट बटर। पीनट बटर मैं दिसानों का यूज़ करता हूँ, दिसानों का पीनट बटर इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि यार इसकी मिक्सिबिलिटी जो मैं दिखा दूँ इतनी बढ़िया, मतलब एक होती ना टाइट टाइट वाले पीनट बटर, मेरे पास यहाँ रखा भी होगा, टाइट फेमस पीनट बटर है, बट पता नहीं ओरिजिनल है नहीं है क्या सीन है, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं वाले पीनट बटर, मतलब चिपके चिपके से होते हैं, एंड मुझे समझ नहीं आता इनका फिर। तो ये जो दिसानों का पीनट बटर है, एक तो ये 1 किलो का है, सस्ता है, और ये देखो कितना लिक्विडिश ही है, मतलब बहुत, और ये टेस्टलेस है, इसमें शुगर भी बहुत कम है, तो इसीलिए मैं इसे प्रेफर करता हूँ, तुम इसे खाओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये सस्ता भी आता है, ये 350-350 रुपये का 1 किलो आता है, और ये 150 रुपये का 500 ग्राम से भी कम आता है। तो अब आपकी चॉइस है। उसके बाद चाहिए हमें एक केला, एक केला बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि ये मैं जिम से पहले जाने से पहले लूँगा, क्योंकि अभी शाम को मैं एक्सरसाइज करने जाऊँगा तो उससे पहले बनाऊँगा, तो एक केला चाहिए हमें। कुछ काजू चाहिए, देखो ये चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, काजू और बादाम तो मैं अपने टेस्ट के लिए डाल रहा हूँ, काजू और ये बादाम, ठीक है, ये दो चीज़ें चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए दालचीनी, भाई ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, एक तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा करती है दालचीनी, ऐसा मैंने सुना था, बट जो भी है, और ये टेस्ट भी बहुत अच्छा लेके आती है आपके फूड के अंदर। तो अभी इस सबको हम मिक्स से मिक्स करेंगे, तो भाई देखो अपनी आइटम को मिक्स कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने ले लेना है अपना ओट्स, ये ओट्स है अपना, इसको हम, मैं तो विदाउट मेजर करके डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कितना डालना है, तुम 40 से 50 ग्राम के अंदर ले सकते हो। तो हमने लिया ये ओट्स, हाँ तो ये ले लिया हमने इतना ओट्स इसमें भर के, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 40 से 50 ग्राम के अंदर ही होगा, तो इससे ज़्यादा नहीं है। फिर हमने इसमें क्या किया, थोड़ा सा इसे हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए क्या किया, इसमें मैंने डाल दी, ये मान लो 10 बादाम होंगे, तो इसमें 10 मैंने बादाम डाल दिए, और काजू ज़्यादा मत खाना, 10 लग सकते हैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तो मैंने 4-5 काजू डाल दिए, ठीक है। फिर हमने अपना अपना केला डालना है, फिर हमें हमने अपना केला डालना है, केले के लिए अपना चक्कू ले आया हूँ मैं, और फिर पीनट बटर भी डालना है, तो कैसे डालते हैं रुकिए, कट करके डालना, डायरेक्ट पूरा केला मत डालना क्योंकि फिर ढंग से मिक्स नहीं होगा, तो कट करके डालना, भाई पहले ही बता दिया है तुम लोगों को, फिर कहो भाई बना ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना नाम बर्बाद नहीं होना चाहिए। और ये वाली जो मील है तुम जिम जाने से पहले ले सकते हो, क्योंकि इसमें कार्ब्स अच्छी हैं थोड़ी, मतलब और हेल्दी तो है ही, गुड फैट्स दे रही है आपको, और जिम जाने से पहले बहुत ताकत भी देगी तुम्हें साथ ही साथ। तो अब मैं इस पीनट की मिक्सिबिलिटी दिखाता हूँ, सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तुम्हें, ये देखो ये देखो ये ज़बरदस्त, देख रहे हो कैसे गिर रहा है, और ये इन वाले पीनट बटर में जो अमृत दूध ले लियो, कोई 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 भी ना मेरी मिक्सी पे नहीं जाएगा, देखो मिक्सी बाबा आदम के जमाने की, भले ही मानता हूँ पापा की शादी में आई थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट गेन तो पूरा हो रहा है ना, गेन होना चाहिए, टाइसेस दिखनी चाहिए। तो इस मिक्सी को फटाफट ऑन करते हैं और इसको मिक्स करते हैं, तब तक आप टाइम लैप्स एंजॉय करो। Ah!
भाई इसमें तो आग लग गई। They say enough is enough. It's time to head home to see the ones we love. Time to back again. Woo! Hookah! तो भाई ये मतलब कभी कभार ऐसे कर देती है, मतलब फूकेगी फुकाएगी नहीं बट हो जाता है कभी कभार। पुरानी है यार, ठीक है ना, चल रही है, जब तक चल रहे तो। टिपिकल इंडियन फैमिलीज। हाँ तो भाई इसके अंदर देखो ये ढंग से मिक्स हो चुका है। अब इसको इसका हमारा काम सारा पैन वाला आ गया। अब हम पैन पे करेंगे। सो अब जिस चीज की हमें जरूरत है वो है यहाँ, वो है एक पैन। पैन की जरूरत है क्योंकि ये पैन केक है, समझे। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया कि हम गैस ऑन करेंगे। ऑन, गैस ऑन हो गई। वाओ, अभी गैस ऑन हो गई है। इसे हल्के आंच पे कर देते हैं और बटर लाते हैं। बटर 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 हम पे। तो भाई मैं बटर के बदले यूज करूंगा थोड़ा सा घी ताकि तवा चिकना रहे और उसको पलटने में आसानी हो जाए, जो हमारा स्टफ है। तो हम क्या करेंगे, हमने लिया एक चम्मच से भी थोड़ा सा भी कम घी और हल्का सा, जितने जैसे कहते हैं ना कि तवा चिकना सा हो जाए, बस उतना घी डालना है आपको, मतलब आधा चम्मच से भी कम, समझ रहे हो। तो इतनी ज़्यादा कोई कैलरीज आपको मिलेंगे नहीं और इतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, अगर आप एक बॉडी बिल्डर नहीं हो तो, समझ रहे हो। तो हमारा जो स्टफ है, अब उस स्टफ को हमें इसमें चारों ओर फैलाना है, ठीक है। ये देखो कैसे फैलाऊंगा, ये देखना, ये देखो ये ऐसे करके फैल जाएगा इसमें। पूरा स्टफ को डाल ही दो, एक ही में कन्वर्ट कर दो, दो दो तीन तीन की जरूरत नहीं बचाने के लिए, कि एक दिन बना लिया तो आगे जन्म तक बनाते ही रहेंगे। तो अब ये लग चुका है, अब ये इस पे लग चुका है और अब इस पे जब ये थोड़ा सा पक पका जाए ना तो इसको फिर पलट देंगे। To hit the road again. Memories all around. Tears are flowing down. It's time to say goodbye. So all these colors, flavors, cultures, and to jump on that train. सो अभी एक बीटी हो चुकी है, बहुत गंदी वाली बीटी हुई है। मैंने पैन के आपने देखा था लास्ट शॉट में कि उसके ऊपर दला हुआ था और मेरी फ़ोन कॉल आ गई और मैं उधर चला गया और बीटी ये हुई कि वो नीचे से जल गया और फिर जब मैंने उसको उखाड़ने की कोशिश करी तो उसकी कुछ ये हालत हुई। अब ये पैन केक तो नहीं रहा है बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। इसको पैन हलवा मान लेते हैं, पैन हलवा। हाँ चलो, आज से नई डिश। सो On our channel, we found the new dish known as pan halwa. खा सकते हो आप ये pan halwa, बहुत अच्छी आइटम है, अगर आप खाना चाहें तो बिल्कुल खा सकते हैं। मैं इसे खाऊंगा क्योंकि यार मैंने इतनी मेहनत करी है, क्यों नहीं खाऊं, खाऊंगा ना, थोड़ा सा चलता है, खा लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये मैं खाऊंगा अभी और pan halwa खाने के बाद मैं आपको टेस्ट बताऊंगा, क्योंकि देखो तो भाई खाना बनाते वक्त कभी भी फोन ना उठाएं, ऐसा हो सकता है। तो अभी क्या करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा कुक होने देते हैं, थोड़ा सा इधर उधर करके ना, थोड़ा सा कुक होने देते हैं इसे। ये कुक हो जाएगा ना जब, तो इसे हम ऐसे रॉ खा लेंगे भाई। वैसे अगर एक बात देखी जाए तो जरूरी थोड़े ना है कि मतलब जो आटे को गीले छोड़ो, एग्जाम्पल छोड़ते हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि अगर हम पैन केक खा रहे हैं तो वो गोली हो, हलवा की तरह खा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो खा लीजिए क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन उतना ही है जितना हमने डाला है, उससे कुछ कम तो हुआ है नहीं, तो न्यूट्रिशन तो इसमें उतना ही है, तो हम तो खा लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप सावधान रहिएगा अगली बार से।
और हाँ इसमें एग नहीं है ना तो थोड़ा सा जल्दी चिपक रहा है, तो भाई जो लोग नवरात्र में बना के खाने वाले हैं इसे, तो भैया प्लीज एग ना डालें बट फोन भी ना उठाएं, फिर जल्दी जल्दी पलटिएगा, समझ गए ना। पैनकेक जो हलवे में बन चुका है उसे जरा इसके अंदर डाल दें, जरूरी थोड़ा ये गोल हो, अंदर का मामला स्वादिष्ट होना चाहिए बस। बादाम काजू का पूरा टेस्ट आ रहा है इसमें। It's time to head home to see the ones we love. Time to back again to hit the road again. Memories all around, tears are flowing down. तो अभी हो जाए फिलहाल रात के 8:30 और हम जा रहे हैं जिम। जिम में अभी हम अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूंगा, अपने आज मैं लेने वाला हूँ बैक बाइसेप्स। फोन से थोड़ा बहुत वो भैंस गिर जाता अभी, आज ये 2-3 बीट ही हुई, अभी कैमरा गिर जाता अभी उस दिन मेरा, आज मेरा वही फूक गया खाना। चलो जो भी है आज हम बाइसेप्स और बैक मारेंगे, 4-4 एक्सरसाइज दोनों की, ज़्यादा शरीर को नहीं तोड़ना चाहिए, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए क्योंकि मसल को रेस्ट चाहिए ना भाई, इसीलिए तो 4-4 एक्सरसाइज दोनों की करेंगे बाइसेप्स एंड बैक। तो चलो थोड़ा बहुत जितना मैं फ़ोन से शूट कर पाऊँगा कर पाऊँगा, एंड बाकी जितना भी ब्लॉग बनेगा एडिट करके इसे डाल देंगे, क्या दिक्कत है। So guys, it's the next morning और हम जा रहे हैं फिर से वही वर्कआउट कर रहे हैं, अपना जिम जा रहे हैं, तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं खत्म करने आया था भाई। तो चलो जो भी है आज के लिए इतना ही, ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, और प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि हम 10K हिट करें फिर 1 लाख हिट करें। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, एक पता है क्या तुम, एक तो लाइक तुम्हें पसंद आया करें वीडियो लाइक किया करो, ना पसंद आए डिसलाइक किया करो, तो तुम्हें जैसी भी लगा करें वीडियो लाइक डिसलाइक कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो वो करके जाओ, और कमेंट एक ज़रूर करके जाना कि कैसे लगी वीडियो, और फिटनेस पे जो मैं 3 से 4 में 6 महीने बाद जो मैं वीडियो लाऊंगा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे, आप सब लोग मोटिवेट होंगे उससे, तो मैं 6 मंथ ट्रांसफॉर्मेशन पे हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, साइनिंग ऑफ।